सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। आई होप गाइज आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो गाइज आज हम करने वाले हैं मुर्गी के अंडे से खिलवाड़, जो कि हम उसके अंडे को फोड़ने वाले हैं। गाइज तो आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर उसके ऑमलेट या बना के खा फोड़ देते हैं, या किसी के मतलब नेता उता के सिर पे मारने पे आते हैं, जो भ्रष्टाचार नेता होते हैं उनके सिर पे मारने के काम आते हैं, जो अंडे हो गए और टमाटर हो गए। तो आज हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, आज हम सिर्फ करेंगे एक केमिकल के थ्रू उस खाली अंडे को फोड़ेंगे। तो खाली अंडा कैसे करना मैं सब आपको दिखा दूंगा, और बहुत ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट होने वाला है मेरे ब्लॉग के थ्रू, तो बने रहें। और बिल्कुल भी थोड़ी सी भी वीडियो अगर स्किप करोगे तो ये मज़ेदार एक्सपेरिमेंट आपके आँखों से और हाथों से निकल जाएगा। तो गाइस आपको ले लेना है एक अंडा, जो कि 4 से या 5 रुपए की कॉस्ट में आपको आराम से मिल जाएगा। आपको इस अंडे को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ तो आपको इस अंडे की ज़रूरत खरीदने की बिल्कुल भी नहीं है। यहीं से लुक तो एकदम मज़ा उठाएं इस एक्सपेरिमेंट का। तो सबसे पहले कर लेना है, एक सुई लेनी है, थोड़ा सा कील ओल इसको छेद कर लेना दोनों तरफ से। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ इसका अंदर का जो प्रोटीन है जो भी है सब निकाल दे। तो गाइस अब हमने इसमें कर लिया इधर से भी छेद और इसके पीछे साइड से भी छेद, तो मतलब इस पाइप के थ्रू जो कि हमने मतलब जुगाड़ करके बनाया है, इसको निकालने के लिए जो इसका अंदर का प्रोटीन है सब हम इसी LED बल्ब है मतलब जुगाड़ कर रखा था, थोड़ा सा मतलब इसका वेस्ट जो रहेगा प्रोटीन और रोटीन जो भी रहेगा इसमें हम कर लेंगे, और फिर इसको अच्छे से धो लेंगे, वो भी मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। फाइनली गाइज हमने इसको कर लिया बिल्कुल खाली, अब इसे धो लेते हैं एक साफ पानी से, ताकि इसका जो भी अंदर का जो जितना भी सामान था वो सब निकाल लिया हमने एक कटोरी में। जो हमारे पास LED बल्ब था टूटा हुआ उसके, और मैं दिखा देता हूँ ये देखो ये रोकी, ये जो कि ये रोकी है हमारा, ये देखिए इसकी नाक, वो मतलब यहाँ मतलब तैयार है खाने के लिए, पर इसे खिलाना नहीं है क्योंकि इससे ये बीमार भी हो सकता है अभी, मतलब जब तक पका हुआ है अंडा उबाल के ना दे तो थोड़ा नुकसान भी दायक है, पर इसका खाने का पूरा पूरा मन है। मैं दिखा देता हूँ है ना, ए इसकी ये सुमरा, पर खाएगा नहीं, मैं इसे खिलाना नहीं है, इसे फेंक देना है या मतलब वेस्ट ही कर देना है, अब ये वेस्ट तो होगा ही। तो गाइस ये मतलब एक अच्छे पानी से इसको बिल्कुल धो लेना है अंडे को, और थोड़ी देर मतलब इसमें डुबो डुबो के धो लेना है एकदम डुबकी मार मार के। ये हुआ, अब इसके बाद करने के बाद ये सूख जाएगा अंदर से, मतलब बिल्कुल सही हो जाएगा, तब मैं बताता हूँ इसके बाद क्या होगा। मेरे पास कोई ट्रांसपेरेंट बोतल तो नहीं थी, और मेरे पास प्लास्टिक की बोतल थी, पर जो केमिकल मैं उसमें डालूंगा वो उसके कारण जो गर्म होगा थोड़ा हीट होगी तो वो मतलब बोतल पिचक जाएगी, मतलब उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे मेरे पास रखी थी एक रॉयल स्टैक की बोतल, ये है मेरे पास रॉयल स्टैक की बोतल, ट्रांसपेरेंट भी आपको रिएक्शन कर होती हुई इसमें दिखाई भी देगी। अब हम डाल लेंगे इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि कॉस्ट है इसकी 30 रुपये, मात्र 30 रुपये, तो 30 रुपये इसकी कॉस्ट है। अब मैं डालने वाला हूँ इसमें रॉयल स्टैक की बोतल में, तो डाल देता हूँ, थोड़ा सा फिल है और इसमें डाल देनी है पूरी बोतल या आधी, मैं डाल के दिखा देता हूँ। अब तो मेरे पास ये मतलब जो हाइड्रोजन परऑक्साइड था, थोड़ा सा मैंने आधी बोतल लिया है, आधी से थोड़ा सा ज़्यादा। अब है मेरे पास ये फॉइल पेपर, जो एलुमिनियम पेपर आपके घर में ज़रूर होगा, आपके मतलब जो आप पराठे या रोटी बांध के ले जाते हैं तो आप इसी फॉइल पेपर से ले जाते हो, आप पता है इसमें एक रिएक्शन हो जाती है हाइड्रोजन परऑक्साइड डालने के बाद, तो मैं उसी रिएक्शन को आपको करके दिखाऊंगा। और जो वो अंडा है मुर्गी का, हम मुर्गी को भी पता नहीं मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, तो आज हम उस मुर्गी को भी बता देंगे और आप सब लोगों को बता देंगे उस अंडे का बेहाल हो जाएगा, मतलब फट जाएगा। तो मुर्गी के अंडे से हम करने वाले हैं खिलवाड़। तो गाइस हम इस एक्सपेरिमेंट को करने तो वाले हैं, पर मुझे भी पक्का पता नहीं है वो अंडा फटेगा या नहीं। अगर फटा तो ठीक, हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब रहेगा, अगर नहीं फटा तो फिर भी हमने ट्राई करने की कोशिश की। तो क्योंकि एलुमिनियम का पेपर था रोटी लपेटने वाला, तो मैंने उसके छोटी छोटी सी गोलियां बना ली हैं 7-8। तो अब डाल देता हूँ मैं इस बोतल अंदर, जो कि मैंने परऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड डाला था इसके अंदर, अब देखते हैं रिएक्शन होने वाली है। टिंग 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 टिंग। तो मुझे फिलहाल पता नहीं ये अंडा फटेगा नहीं फटेगा, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं इस अंडे को फोड़ने की, तो देखते हैं इस रिएक्शन की वजह से अंडा फटेगा नहीं फटेगा। मैं फोड़ने की अभी दिखा देता हूँ आप सभी को, तो अब रख देना उस बोतल के ऊपर वो, जब रेडी अब इसमें मैं आग लगाने वाला हूँ, अब ये फटने वाला है, देखता हूँ फटेगा नहीं फटेगा। तो
गाइस आज का एक्सपेरिमेंट का तो पोपट हो गया, पर इसको हम बिल्कुल सही करके रहेंगे, क्योंकि हमने इसकी रिएक्शन करके देखी थी हाइड्रोजन परऑक्साइड से, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड और एलुमिनियम के जो फॉइल पेपर था उससे करके देखी थी, उससे कोई रिएक्शन नहीं हुई थी। तो हम इसको फोड़ेंगे कल या परसों, जो भी फोड़ेंगे इसे हम फोड़ ही देने हैं, मतलब फोड़ ही देना। अब इसको हमने खाली कर लिया, तो इसे फोड़ेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि होता है कास्टिक सोडा। मतलब गाइस बहुत महंगा है, तो इसलिए मैं उससे रिएक्शन करके देख रहा था हाइड्रोजन परऑक्साइड से, तो मैंने सोचा इससे भी फट जाएगा, तो फिलहाल तो गाइस उससे फटा नहीं है, तो हम उससे भी करके देखेंगे। थोड़ा सा एडजस्ट मैं कर लूँगा, और ये फोड़ना है तो फोड़ना है, ज़रूर फोड़ना है। और मज़ेदार एक्सपेरिमेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते एक लाइक भी कर दें, और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि हर दिन कुछ अलग और कुछ नया होगा गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।